तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन मंगलवार को 62वें दिन में प्रवेश कर गया। वहीं किसानों ने दिल्ली पुलिस के तय रूट का उल्लंघन करते हुए बाहरी रिंग रोड से होते हुए दिल्ली की तरफ कूच किया। दिल्ली पुलिस उन्हें रोक नहीं रही। सिंघू बॉर्डर के मुकरबा चौक के पास ट्रैक्टरों पर सवार किसान उग्र हो गए। किसान बाहरी रिंग रोड की तरफ जाने पर अड़ गए तो पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी। किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिया, बसों के शीशे तोड़ दिए, पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई, यहां माहौल तनावपूर्ण हो गया। इससे पहले सिंघू बॉर्डर के साथ टीकरी और यूपी बॉर्डर पर भी किसानों ने तय समय से पहले ट्रैक्टर परेड शुरू कर दी। वहीं मंगलवार की सुबह कई पुलिस वालों को पीटते हुए मुकरबा चौक से किसान आगे बढ़े। इसके बाद किसान आपस में भिड़ गए, जिसके बाद हालात काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। आपको बता दें कि ट्रैक्टर परेड की आड़ में किसानों ने दिल्ली में उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने तय शर्तों के अनुरूप गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न होने के बाद ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत दी थी, लेकिन किसानों के अलग अलग जत्थे ने मंगलवार सुबह से ही दिल्ली में घुसने की कोशिश शुरू कर दी। पुलिस ने इन्हें सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। पुलिस कर्मियों से झड़प करने लगे और दिल्ली में घुसते चले आए। कई जगह पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट हुई। मुकरबा चौक पर सबसे ज्यादा उत्पात मचाया गया। यहां टियर गन तक लूट ली गई। पुलिस के क्रेन पर कब्जा कर लिया गया। उसी से सड़कों पर बैरिकेड के रूप में इस्तेमाल की गई बसों और डंपरों को हटा दिया गया। मुकरबा चौक पर मीडिया के कैमरे तक छीने गए। ब्यूरो रिपोर्ट, नमामि भारत।